स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूटन पर। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, बेसिक केमिकल काइनेटिक्स टर्म का मतलब क्या होता है। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट, रेट बोले तो स्पीड, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस को आगे से हम आरओआर के नाम से जानेंगे, शॉर्ट फॉर्म, एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील्स करती है, स्टडी करती है किसके बारे में, कि जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, यानी रेट क्या होता है। साथ के साथ जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कौन से फैक्टर्स उनके स्पीड को चेंज कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स उनकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस कितने स्टेप्स में होता है, सिंगल स्टेप में होता है या मल्टीपल स्टेप्स में होता है, यानी उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो वो ब्रांच जो इनके बारे में स्टडी करती है उसी को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हो। तो आइए अगला हम स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, और कौन कौन से केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, किसी की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमको ये चीज समझने में मदद मिलती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी तेजी से या कितना स्लो हो रहा है और किस तरह से हम उसकी स्पीड को यानी उसके रेट को चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में हमें जो केमिकल रिएक्शंस की रेट होती है वो हाई चाहिए होती है, खासकर जब हम किसी केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी सिंथेसिस करते हैं, तो उस केस में हमें उस केमिकल रिएक्शन को हमें तेजी से चाहिए होता है, उसकी स्पीड ज्यादा चाहिए होती है ताकि हम जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा मात्रा में ऑब्टेन कर पाए कम समय में। ठीक है, तो एक्चुअल में ज्यादातर केसेस में हमें जो केमिकल रिएक्शन चाहिए होता है वो हाई स्पीड पर चाहिए होते हैं। और कौन 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 से ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो पहले स्लो स्पीड पे थे उसको हम हाई स्पीड पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम उस स्लो केमिकल रिएक्शन को हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी हाई रेट पे कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इंपॉर्टेंस यही है कि हमें ज्यादातर केमिकल रिएक्शन हाई स्पीड पे चाहिए होते हैं, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन लो स्पीड पे यानी स्लो स्पीड पे है तो हम कौन से फैक्टर्स लगाकर जो है उनकी उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो स्लो होते हैं, कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो बहुत ही हाई रेट पे होते हैं यानी बहुत जल्दी बहुत फास्ट होते हैं, और कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो मॉडरेट रेट पे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वो कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो बहुत ही स्लो स्पीड पे होते हैं यानी बहुत ही स्लो रेट होता है उनका। तो वो कुछ केमिकल रिएक्शन हैं जो बहुत ही स्लो रेट पे होते हैं यानी बहुत ही जिनका जो आरओआर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बहुत ही लो होता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो वेरी लो होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी स्पीड बहुत लो है या स्पीड इज वेरी स्लो, बहुत ही धीमे धीमे हो रहे हैं वो। जैसे एग्जांपल है, पहला मेरे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग प्रोसेस होती है आयरन की वो एक बहुत ही स्लो केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस होता है रस्टिंग और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इस तरह से डायमंड का ग्रेफाइट में बदलना इसमें जो है मिलियंस ऑफ इयर्स लग सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं डायमंड इज फॉर एवर यानी डायमंड धीरे धीरे करके ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता रहता है लेकिन इसको होने में करोड़ अरबों साल लग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो बहुत ही स्लो होते हैं। ठीक है, अब हम उन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जो बहुत ही फास्ट होते हैं। तो जनरली जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं। ठीक है, सो वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करें, वेरी फास्ट रिएक्शन यानी जिनका आरओआर बहुत ही हाई होता है। आरओआर क्या होता है? वेरी हाई, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई। जनरली ये आयनिक रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं बेटा? आयनिक, वो रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है वो जनरली बहुत फास्ट होते हैं। और ये कितने टाइम में हो जाते हैं? इनका टाइम, जो टाइम ऑफ रिएक्शन होता है वो नियरली जो है 10^-12 सेकेंड से
10 रेस टू पावर माइनस 16 सेकंड के बीच में हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 10 रेस टू पावर माइनस 16 से लेके 10 रेस टू पावर माइनस 12 के बीच में हो जाते हैं, यानी एक सेकंड से भी बहुत 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 कम समय लगता है इनको होने में, यानी बहुत ही फास्ट होते हैं ये। खासकर ये आयनिक रिएक्शन होते हैं, मैंने पहले बता दिया, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें हम एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपका क्या बनता है, सॉल्ट यानी NaCl प्लस में वाटर, बहुत ही कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, जिसमें हमने एक एसिड लिया, एक बेस लिया है, हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें आयंस इन्वॉल्व है, वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। इसी तरह से एक और लेते हैं, जैसे हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, उसको हमने एसिड से रिएक्ट करवाया, ठीक है, H2SO4, सो वी विल गेट बेरियम सल्फेट प्लस में HCl, इसे बैलेंस कर लेते हैं, ऊपर वाला बैलेंस है बिल्कुल। सो बेरियम क्लोराइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास बेरियम सल्फेट बना है और क्या है, HCl बना है। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे आयंस इन्वॉल्व है। इसे ऐसा कुछ और एग्जांपल है, जैसे सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन, आपने देखा होगा सोडियम को, जैसे सोडियम वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है बहुत ही विस्फोटक रिएक्शन होता है उसका, ठीक है। तो सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन, ये भी क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट। तो जनरली जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो हमारे बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं, उन्हें होने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी एक सेकेंड से भी बहुत 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 कम समय लगता है, रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। हम ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो मॉडरेट वैल्यू होती है उनकी स्पीड की मॉडरेट वैल्यू होती है, यानी उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है मॉडरेट होता है। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, वो केमिकल रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट है, सो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, यानी वो केमिकल रिएक्शन जिनका ROR या जो स्पीड है वो मॉडरेट वैल्यू में आ रही है, यानी कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ देर, जनरली कुछ मिनट और कुछ घंटे का हम मॉडरेट कहते हैं उसको, मॉडरेट है वो। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपका, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है, H2O2 का थर्मल डीकम्पोजिशन या सनलाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको, टू इधर लगा दिया, बैलेंस है। तो ये जो है मॉडरेट वैल्यू के रिएक्शंस होते हैं, किसके होते हैं, मॉडरेट वैल्यू के रिएक्शंस होते हैं। इस तरह से एक और लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, C12H22O11, दिस इज सुक्रोज और ये केन सुगर यानी चीनी जो गन्ने से मिली है हमें, केन सुगर, ठीक है, इसका हमने कर दिया इन्वर्जन कर दिया हमने। तो हमको क्या मिला, हमको मिला C6H12O6 प्लस में C6H12O6, एक है हमारे पास ग्लूकोस और एक है हमारे पास फ्रक्टोस। तो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर जो है, इन्वर्टेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में होता है, तो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर जो है वो भी एक मॉडरेट वैल्यू की जो है एक मॉडरेट रिएक्शन है, मॉडरेट वैल्यू की रिएक्शन है। सो दीज आर सम रिएक्शंस विच हैव मॉडरेट वैल्यूज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इनकी कुछ मिनट या कुछ घंटे की, इनकी कुछ डेज भी ले सकते हो आप, लेकिन जनरली मिनट और घंटे लेते हैं। तो जिनका जो कुछ घंटों में या कुछ मिनट में हो जाए उनको हम कहते हैं कि वो मॉडरेट ROR है उनका, यानी उनकी स्पीड जो है मॉडरेट है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है और किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में समझते हैं। फॉर्म का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार के हैं, एक है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो रेट होता है जो किसी भी एक क्षण
एक टाइम पे निकाला जाता है, से हमने निकाल लिया कि टी बराबर 5 सेकंड पे क्या था रेट ऑफ रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद कितना था रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी क्षण पर या किसी भी टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो किसी टाइम इंटरवल के बीच का निकाला जाता है, से 10 की टी बराबर 5 सेकंड से लेकर टी बराबर 10 सेकंड के बीच का रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो क्या होगा, तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। आइए हम एक सिंपलेस्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में समझते हैं, जहां पे रिएक्टेंट आर कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट पी में। सो आर इज द रिएक्टेंट एंड पी इज द प्रोडक्ट, सिंगल हो सकते हैं मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, जब हमारा रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ था यानी टी बराबर जीरो पे, उस समय जो भी टेस्ट ट्यूब थी या जिसमें भी अपैरेटस में हम वो केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे, उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स था उनका कंसंट्रेशन मैक्सिमम था, यानी वो सबसे अधिक मात्रा में थे उस समय पे। यानी जो आर नॉट है, यहाँ पे आर नॉट कैसे रीड करेंगे, ब्रैकेट जो मैंने लगाया हुआ है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ब्रैकेट के अंदर मेरा आर लिखा हुआ है यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो कि जनरली हम मोल पर लीटर में लेते हैं, और जीरो का मतलब है टाइम हमारे पास जीरो था यानी स्टार्टिंग में। तो जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ था उस समय जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है यानी हाईएस्ट होती है, जो भी हमने ली होती है, तो उसको हमने आर नॉट कहा है जो कि मैक्सिमम है। और जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होता है जस्ट उस समय प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होता, कोई जस्ट केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो प्रोडक्ट जो होता है टी बराबर जीरो पे वो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यानी मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में, तो जब मेरा टाइम जीरो था, कितना था जीरो, तो उस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, क्या होता है मैक्सिमम, ये इसको हमने कह दिया ये मैक्सिमम है आर नॉट, ठीक है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का रिएक्टेंट जो होते हैं वो डिसअपियर होते जाते हैं, वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो डिसअपियर हो जाते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है वो बनता रहता है। यानी जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता रहता है, और एक समय जाके वो सैचुरेट हो जाता है, यानी उसका कंसंट्रेशन फिर कांस्टेंट हो जाता है, वो घटना बंद कर देता है, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, और समय और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है स्टार्टिंग में, जीरो होती है, और जैसे समय बीतता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है बढ़ती रहती है। इधर से मान लीजिए हमारे पास टाइम टी वन है जो कि कोई भी हमने 5 सेकंड लिया है, से टी वन हमारे पास 5 सेकंड है, से हमने कह दिया 5 सेकंड है टी वन हमारे पास, तो इस 5 सेकंड पे उसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की हमने आर वन मान ली है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मान ली हमने P1 मान ली है। तो जो R1 कंसंट्रेशन होगी वो स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अब हमने जैसे बताया है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होती जाती है रिएक्टेंट्स की, तो R0 ज्यादा होगा और R1 क्या होगा कम होगा। लेकिन प्रोडक्ट की बात करें, वे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है टाइम T1 पे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी P0 से, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इधर हमने एक दूसरा टाइम लिया है से T2 बराबर से 10 सेकंड लिया है मैंने, कितना लिया है 10 सेकंड, तो इस 10 सेकंड में जो उसकी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो R2 है, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है P2 है, ये R2 जो होगी वो R1 से कम होगी, यानी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन R0 है, उससे कम कंसंट्रेशन R1 है, और उससे कम कंसंट्रेशन R2 है। फिर जैसे समय बीतता जाएगा वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। वहीं पे प्रोडक्ट की केस में ये उल्टा होगा, P0 की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो है, फिर उसके बाद वो बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के लिए है जो कि समय के साथ क्या होती रहती है डिक्रीज होती रहती है। इधर से आप जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हो, यहाँ पे मैं अगर प्रोडक्ट ले लूं तो स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो होता है तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है जीरो होती है, फिर वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है और टाइम पे जाके वो क्या हो जाती है कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोडक्ट के लिए कर्व बना हुआ है, प्रोडक्ट का ग्राफ है ये, किसकी के बीच में ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम, ये टाइम ऑफ रिएक्शन है। तो आपने देखा कि किस तरह से रिएक्टेंट का ग्राफ बन रहा है और किस तरह से प्रोडक्ट का ग्राफ बन रहा है। दोबारा बता देता हूँ, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है टाइम के साथ, वहीं पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती रहती है इंक्रीज होती रहती है टाइम के साथ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड से या एनालिटिकल मेथड से किस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं।
तो मैंने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ आर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आपने नोट कर लिया आर नॉट क्या था, आर वन क्या था और आर टू क्या था। ओके तो हमारे पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिया है हमने, R tends to P यानी R जो है प्रोडक्ट में बदल रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक टाइम है T1, एट टाइम T1 देखिए R नॉट तो टाइम जीरो पे है, चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं कि एट टाइम T बराबर जीरो हमारे पास कंसंट्रेशन R नॉट थी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की जो कि मैक्सिमम थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P नॉट थी जो कि जीरो थी। इस तरह से एट टाइम T1 जो R की कंसंट्रेशन है उसको हमने R1 कह दिया है और P अब पूरे फॉर्म हो चुके हैं तो P की कंसंट्रेशन को मैंने P1 कह दिया है। इस तरह से एट टाइम T2 जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको मैंने R2 कह दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कह दिया है P2 कह दिया है। ठीक है, सो हम पहले बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले एवरेज आर ओ आर। तो सबसे पहले हम एवरेज आर ओ आर निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा आर जो है दैट इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, जहां पे डेल्टा आर जो है दैट इज डेल्टा आर जो है वो है आर टू माइनस आर वन, जिन भी दो टाइम के बीच में निकाल लो। मैं यहां पे जो है सेकेंड फर्स्ट से लेके सेकेंड के बीच का निकाल रहा हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर टू माइनस आर वन है हमारे पास कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेशन का नोटेशन लगाना बोल गया। सो दिस इज आर टू माइनस आर वन, जहां पे आर वन कंसंट्रेशन आपकी टाइम टी वन पे है और आर टू कंसंट्रेशन किस पे है टाइम टी टू पे है। यहां पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया मैंने मैं बता देता हूं। एक्चुअल में जो डेल्टा आर निकल के आएगा ये नेगेटिव आएगा, आप खुद ही सोचिए वाई, बताइए क्यों आएगा, आप खुद ही सोचिए इसको डेल्टा आर नेगेटिव क्यों आएगा। तो डेल्टा आर यहाँ पे नेगेटिव निकल के आएगा और जब डेल्टा आर की वैल्यू मैं यहाँ नेगेटिव पुट करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर एवरेज आर ओ आर प्लस हो जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सिंबल जो है आर ओ आर को प्लस रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए लगाया गया है। इधर से जो एवरेज आर ओ आर होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, यानी एवरेज आर ओ आर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। उस केस में आपका प्लस आएगा, प्लस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा पी जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस है प्रोडक्ट्स का, यानी पी टू माइनस पी वन। और डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी इज डिफरेंट डेफिनेटली टाइम इंटरवल दैट इज टी टू माइनस टी वन। तो देखिए ये मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूले लिखे हुए यहाँ पे और ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म के केमिकल रिएक्शन के लिए है, आर टेंड्स टू पी यानी आर जो है प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, याद रखना ये बहुत ही सिंपलेस्ट केमिकल इक्वेशन के लिए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ उसके लिए है, इसके आगे मैं बताऊंगा और जनरल इक्वेशन के लिए क्या होते हैं। ओके, मैं इधर का मिटा देता हूँ ये वाला, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, एवरेज आर ओ आर के लिए ही ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो पहले मैं बनाता हूं प्रोडक्ट के लिए ग्राफ, सॉरी रिएक्टेंट के लिए, फिर बनाता हूं मैं प्रोडक्ट के लिए ग्राफ। तो पहले तो मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना देता हूं बेटा, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो थोड़ा सा सॉरी है उसके लिए। टाइम और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो स्टार्टिंग में हमारे पास पता है जब हमारे पास टाइम जीरो होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। फिर हमारा कुछ ग्राफ इस तरह का बनता है, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, सो मैंने दो टाइम लेने हैं, ये टाइम T1 है और से ये टाइम जो है T2 है। ठीक है, T1 पे जो मेरा कंसंट्रेशन था उसको मैंने याद होगा आपको R1 कहा था और जो T2 पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो है R2। सो दिस इज डेल्टा R, दिस इज डेल्टा R एंड दिस इज डेल्टा T। तो जो एवरेज ROR हो गया दैट इज माइनस
डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। देखिए ग्राफ के तुम देखिए, ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड टाइम इंटरवल के लिए, ये दो पॉइंट हैं, दो गैप के बीच में मैंने, सॉरी दो टाइम इंटरवल के बीच में मैंने आर ओ आर निकाला है, तो इसको कहते हैं हम एवरेज आर ओ आर। यहाँ पे टी वन की वैल्यू से हमने कहा 4 सेकंड है और टी टू की वैल्यू से 10 सेकंड है, तो 4 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में जो एवरेज आर ओ आर है वो मैंने वहां पे कैलकुलेट किया, उसको ग्राफिकली इस तरह से दिखाते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के केस में कैसे दिखाएंगे, तो प्रोडक्ट के केस में आपका ग्राफ नीचे से ऊपर बनेगा, तो आप समझ गए प्रोडक्ट के केस में कैसे दिखाएंगे। तो आइए प्रोडक्ट के केस में दिखाते हैं इसको। तो ग्राफ बना रहा हूं मैं, सो यहां पे मैंने टाइम लिया है टाइम टी, और यहां पे मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेता हूं। तो जब मेरे पास टाइम जीरो था तो उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, फिर वो आपको याद होगा इस तरह से वो बढ़ता रहता है फिर जाके वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब इंक्रीज होना बंद कर देता है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हमने दो पॉइंट लेने हैं यहाँ पे, से हम इन दो पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला मेरे पास टी वन टाइम के लिए है, ये वाला मेरे पास जो है टी टू टाइम के लिए है। तो यहाँ पे मेरे पास कंसंट्रेशन जो आएगी वो पी वन आएगी, और यहाँ पे जो मेरे पास कंसंट्रेशन आएगी वो पी टू कंसंट्रेशन आएगी, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगी दैट इज पी टू। तो दोबारा से आपको क्लियर हो गया, दिस इज डेल्टा टी एंड दिस इज डेल्टा पी। तो आपका जो आर ओ आर हो गया दैट इज प्लस में, आप प्लस साइन ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हमने बताया है किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पर हम निकालते हैं, और फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ डेल्टा की जगह जो है डिफरेंशिएशन का सिंबल आ जाता है डी, सो सॉरी डेरिवेटिव। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस आर ओ आर। तो इंस्टेंटेनियस आर ओ आर जो होता है वो रिएक्टेंट्स के केस में विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इट इज माइनस डी आर अपॉन में dt, जहाँ पे dt बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा। ठीक है, यानी किसी भी इंस्टेंट पे हम निकाल रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट के केस की बात करें जाए तो इट इज dp अपॉन में dt प्लस का। ठीक है, ग्राफिकल मैं दिखा देता हूँ, आपने मैथ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये डिफरेंशिएशन है किस तरह से, मैं बता देता हूँ। सो दिस इज टाइम t, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टार्टिंग में एज यू नो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है, आर नॉट यानी मैक्सिमम होती है, और ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सो मैं कोई भी एक टाइम पे निकालना चाहता हूँ, तो से मैं जो है टाइम टी पे निकालना चाहता हूँ, टाइम टी है से 5 सेकेंड है मेरे पास, तो मैं इस पर निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे जो मेरा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालते हैं, आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, सो दिस इज द टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितना होता है, तो ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। इसको मैं इस लाइन को टेंजेंट को और इसके एंगल को अलग से बना देता हूँ, देखिए आप ध्यान से कुछ इस तरह से थी ये लाइन, थोड़ी टेढ़ी से लग रही है, सही कर देता हूँ, इस तरह से थी ना ये लाइन, ये पॉइंट था आपका वो टी वन वाला। ठीक है, सो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो जो स्लोप हो गया इसका वो हो गया टेन थीटा, इस टेंजेंट का जो स्लोप हो गया वो टेन थीटा हो गया, जो कि इस केस में आप देखोगे नेगेटिव निकल के आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि थीटा 90 से ज्यादा है, तो जब थीटा 90 से ज्यादा होता है टेन थीटा नेगेटिव निकल के आता है, और थीटा जब 90 से कम होता है टेन थीटा पॉजिटिव निकल के आता है। तो जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा
यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, वो होगा माइनस टेन थीटा, यानी माइनस स्लोप, ठीक है, यानी माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा, सॉरी डेल्टा लिख दिया मैंने, डी आर अपॉन में डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी कैसे है मैं बता देता हूँ। आप टेंजेंट की लाइन ज्यादा लंबी ना लें, छोटी सी लेनी है, इतना छोटा ले लें बहुत है, ठीक है। सो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। सो दिस इज से स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, ये स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी है, और ये वर्टिकल लाइन जो है दैट इज डी आर। देखिए, सो टेंजेंट में आपको स्लोप निकालना आता ही होगा, दिस इज वर्टिकल लाइन इज डी आर, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन इज डी टी, बहुत ही कम टाइम इंटरवल है ये, ठीक है। तो आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया वो हो गया माइनस डी आर अपॉन डी टी, जहाँ पे डी आर अपॉन डी टी स्लोप होता है। तो जहाँ पे जो ये स्लोप था, ये था आपका डी आर अपॉन डी टी। सो स्लोप जो है टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और टेन थीटा यानी स्लोप जो होता है वो डी आर अपॉन डी टी के बराबर होता है। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव रखना है, तो हम लेते हैं नेगेटिव स्लोप, यानी नेगेटिव डी आर अपॉन डी टी। तो आप समझ लीजिए डी आर अपॉन डी टी जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है इस केस में। अब हम जो है इसी को समझने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट केस में ज्यादा ईजी है क्योंकि वहां पे नेगेटिव निशान नहीं लगाना होता हमको। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज टाइम टी, दिस इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पी। स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो होता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होती है, फिर वो बढ़ती रहती है, ठीक है। सो हमें से इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे मेरा टाइम जो है वो टी बराबर से 5 सेकेंड है, नहीं कि स्टैंड पे निकालना है। तो हम इस पे एक छोटा सा टेंजेंट बना लेंगे, बना लिया। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा निकालते हुए निकालते हैं, तो स्लोप हो गया आपका, स्लोप हो गया इस पॉइंट पे। देखो हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा, एक बात याद रखना, इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है और जैसे जैसे लाइन ये टेढ़ी मतलब हॉरिजॉन्टल होती जाती है वैसे वैसे स्लोप डिक्रीज होता जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसका स्लोप जीरो होता है। तो जैसे जैसे लाइन ये हॉरिजॉन्टल होती जाती है वैसे वैसे स्लोप क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो जो स्लोप होता है वो टेन थीटा है इस केस में, और आप देखेंगे थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से कम है, यानी ये पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। और जो स्लोप होता है वही आपका जो है डीपी अपॉन, वही आपका डीपी अपॉन में डीटी है, वही आपका क्या है, डीपी अपॉन में डीटी है। मैं इसको अलग से बना लेता हूँ, ये मेरी टेंजेंट थी, ये मेरा पॉइंट था जिस पॉइंट पे निकालना था। तो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ ये। सो दिस इज डीटी एंड दिस इज डीपी एंड दिस इज थीटा। तो टेन थीटा बराबर डीपी अपॉन डीटी, टेन थीटा बराबर डीपी अपॉन डीटी, और ये टेन थीटा जो है पॉजिटिव होगा इस केस में, देखिए ध्यान से, क्योंकि थीटा 90 से कम है तो यही स्लोप है। और आपका आर ओ आर होगा वो इसी स्लोप के बराबर होगा, पॉजिटिव साइन के साथ इसी स्लोप के बराबर होगा, यानी स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर डीपी अपॉन में डीटी। तो देखिए आपको मैंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बता दिए हैं, दोनों के फॉर्मूले बता दिए हैं, और दोनों के मैंने आपको ग्राफ भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी जनरल रिएक्शन के लिए क्या होते हैं। ये तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन लिया था जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको अब बताने जा रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए किस तरह से लिखा जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में जो बताया था वो था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है सीधे प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो भी 1 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी आपका 1 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी आपका क्या है, 1 है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन था। अभी मैं आपको जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी इन्वॉल्व हो रखे हैं,
यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी दो रिएक्टेंट्स हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए स्मॉल बी है, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी इनको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहा जाता है जो कि नंबर ऑफ मोल्स दिखाते हैं। तो आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था या नंबर ऑफ मोल्स था उसको आपको डिवाइड करना इस तरह से, यानी वन अपॉन ए माइनस में डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट हो जाएगा आपका वन अपॉन में बी माइनस में डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी हो जाएगा वन अपॉन में सी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, और इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ डी हो जाएगा आपका वन अपॉन में डी डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, जहां पे सी और डी दोनों प्रोडक्ट थे। ओके, एक चीज और मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं आपको कि ये जो मैंने ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है ऊपर रिएक्टेंट्स वाला, ये कहलाता है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये कहलाता है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी। यहाँ पे जो ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है मैंने ये वाला, इस तरह से ये वाला था ये इसके लिए था, ये वाला टर्म जो है रिएक्टेंट वाला ये कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी, या नेगेटिव निशान के साथ को ही कहते हैं, नेगेटिव निशान का को इंक्लूड करके आपको लेना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी ये होगा आपका माइनस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, तो दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। इस तरह से यहां पे जो मैंने राउंड किया हुआ है इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, तो ये हो जाता है आपका डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, तो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। इस तरह से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी जो है ये वाला हो जाएगा आपका खाली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूरा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आपको डी लगा देना है हर जगह, यानी डिफरेंशिएशन कर देना है। सो अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दिस विल बी वन अपॉन में ए माइनस में डी ए अपॉन में डी टी बराबर वन अपॉन में बी माइनस में डी बी अपॉन में डी टी, ये सारे बराबर होते हैं, बराबर ये सारे बराबर होंगे, बराबर वन अपॉन में सी प्लस में, प्लस निशान नहीं लगाता हूँ, डी सी अपॉन में डी टी बराबर वन अपॉन में डी 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 अपॉन में डी टी, देख लीजिए। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे सेम वही चीज है जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, दे दीज आर दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी एंड दिस वन ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए दीज आर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी। तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, वो न्यूमेरिकल आपको किस तरह से करने होते हैं, सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसके बाद ये फॉर्मूले आपको लगाने हैं, ये फॉर्मूले लगाने हैं, उसमें कुछ टर्म्स आपको कुछ वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, कुछ वैल्यूज आपको निकालनी होंगी। लेकिन एक बात याद रखना कि केमिकल रिएक्शन जिसके लिए वो रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल लो वो बैलेंस्ड होना चाहिए कम्प्लीटली, अनबैलेंस्ड के लिए नहीं होगा। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, पिछली क्लास अगली क्लास में मैं आपको कुछ एक आध न्यूमेरिकल करा दूंगा, इसके अलावा अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उनके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जो इस पे बेस्ड होंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहूँगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी हेल्प होती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।